आतंक के साए में बम्हारी के ग्रामीण। कम मिलेगी भाजपा नेता जंडेल सिंह गुर्जर और उनके भाई के अवैध उत्खनन से मुक्ति। पुलिस और प्रशासन मौन क्यों? आखिर किस बड़े नेता का हाथ है जंडेल सिंह गुर्जर पर? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खदान माफिया और अवैध उत्खनन के खिलाफ है, वहीं दूसरी ओर शिवपुरी को पत्थर की नगरी कहा जाता है। शिवपुरी चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं शिवपुरी से ग्वालियर रोड पर स्थित ग्राम बम्हारी की। यहां पर बीजेपी नेता जंडेल सिंह गुर्जर और उनके भाई मुन्ना गुर्जर, जो अवैध रूप से जंगल और रेवेन्यू की जमीन का सीना छलनी कर बंदूकों के साए में अवैध उत्खनन करवा रहे हैं, कल जब जांच टीम मौके पर गई तो सिर्फ सीमांकन ही कर पाई, जबकि जांच तो अवैध उत्खनन करते हुए ट्रक क्रमांक MP33H1000 और MP33H1596 वीडियो वायरल के आधार पर होनी थी। इन दोनों डंपर के वीडियो वायरल और इनकी रॉयल्टी शाम को अशोक धन्नो कट स्टोन एंड कंपनी से काटी गई। आखिर फिर ये अवैध रॉयल्टी क्यों काटी गई? जब डंपर अवैध जगह से भरा गया तो फिर रॉयल्टी कैसे है? अगर रॉयल्टी है तो फिर अवैध उत्खनन में भी सफेद पोश नेता आखिर किस बड़े नेता का हाथ है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। शिवपुरी में अगर बीजेपी नेता जंडेल सिंह गुर्जर की बात की जाए तो इन पर आखिर किस बड़े नेता का हाथ है जो इस नेता की दबंगई से बंदूकों की दम पर अवैध उत्खनन करवा रहा है, जहां प्रशासन मूक दर्शक बना है और पुलिस मौन है। जब ग्रामीणों और मीडिया की शिकायत पर अधिकारी जांच कर रहे थे तो शिकायतकर्ताओं को अवैध खनन पर बंदूकों और लठेतों की दम पर जाने से रोका। चल जाएगी का आप बताओ जे चल जाएगी का यार भाई नहीं मैं कह रहा हूँ चल मैं तो मार चुका हूँ 50 में उठेंगे मैं बैठ रहा हूँ करो ना यार नहीं हमारी चलेगी मैं कह रहा हूँ हमारी चलेगी चलाओ ना बे क्या काले भी आ रहे हो तुम मैंने बाद में भी क्या कही थी इधर आप नहीं आओगे बात खत्म हो गई ना इधर हम नहीं जा रहे तो भाई उधर जाओ तो चलाओ तुम भाई हम चले हम गए अबे तुम्हें देखिए हम गए का हम चाहते जा सकते हैं हमें कहा यार तो यार हमको तुम खा रहे करो पी रहे करो तुम अपने यार हम भाई हम तो नहीं गए ना नहीं जाते तो नहीं हम क्यों जाते हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही वहाँ कुछ नहीं मिला तुम्हें वहाँ कारा पी रहे कर भी कुछ नहीं मिला वहाँ कितनी जगह कटी है वहाँ वीडियो कितने राल्टी कट गई है 3 साल से राल्टी चल रही है वहाँ कुछ नहीं बाबा बेटा 6000 राल्टी कट चुकी उसकी आपने कहा सुन लो पहले क्या बात सुन लो आपने मुझसे कहा मैं आपको नोटिस दूंगा अरे कैमरा बताना निकालने का करने यार इधर है जी लो यार तुम ऐसे अरे भाई साहब जो है ना मैं जंडेल भाई साहब मैं सब जानता हूँ जी द्वारा बात नहीं आती अगर जानते हो जंडेल भाई साहब मुन्ना भाई आपने बस नोटिस दे दिया ठीक है यार नोटिस की बात ही करी थी बात करने की जरूरत नहीं है चलो हटो जाओ बात खत्म हम जा रहे हैं अपना बात खत्म हो गई बात कर दी कोई बात ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है भैया आपको क्या समस्या है? हमारे गांव में अवैध उत्खनन हो रहा है तो हम सब लोग अवैध उत्खनन को रोकने के लिए गए थे तो रास्ते में हमें मन्ना व जंडल ने रोक लिया था और उन लोगों ने हमसे ये बोला अगर तुम अवैध उत्खनन को रोकोगे तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे और उन लोगों के साथ में 8-10 लोग और थे जो बहुत से देसी हथियार लिए थे लाठी थी लुआंगी थी परसा था बंदूक भी थे कट्टे भी थे और सब लोग मारने की धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे आप अगर उत्खनन करोगे तो आपको जान से मार देंगे यदि थाने में रिपोर्ट करोगे तो श्री राठखेड़ा मंत्री साहब हमारे यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी और उनसे कह के हम आपका FIR दर्ज करवा देंगे। क्या समस्या आपको क्या परेशानी है किस बात पर झगड़ा हो रहा है आपके यहाँ? हमारे गाँव में सर हमारे गाँव से रहने वाले हैं हम चार पाँच लोग पतरौली साइड गए थे खदान एरिया में तो उधर जंडल मुन्ना लोग मिल गए थे इन लोगों ने हमारी छाती बंदूक उड़ा दिए कह दी गड्ढा मड्ढा नहीं चलेंगे बंद करेंगे सर हमारे गांव में बस खदान कट रहा है इसलिए हम रुकने के लिए गए थे इसलिए मारने की धमकी दी थी।
और उनके साथ में 10-5 लोग और थे, बंदूक कट्टा पिस्टल लेकर। ठीक ठीक भैया। भैया आपको क्या समस्या है, आपकी क्या परेशानी है आपके गांव में? मैंने सुना है कि लड़ाई जैसे संबंध बन रहे हैं, वो किस बात के ऊपर बन रहे हैं? हमारे यहाँ जंडेल और वो मुन्ना रेंज में खदान काट रहे हैं अभी फॉरेस्ट में। हम उनकी वीडियो बना भी गए थे तो उन लोगों ने हमारे साथ में बंदूक उड़ा दी सीने पर, मुन्ना जंडेल ने और भाई साथ में और थे गाँव के लोग, लट ले गए जी मारने की। देखिए क्या कहा ग्रामीणों ने। भैया आपको क्या समस्या है, आपकी क्या परेशानी है आपके गांव में? मैंने सुना है कि लड़ाई जैसे संबंध बन रहे हैं, वो किस बात के ऊपर बन रहे हैं? जंडेल और वो मुन्ना रेंज में खदान काट रहे हैं अभी फॉरेस्ट में। हम उनकी वीडियो बना भी गए थे तो उन लोगों ने हमारे साथ में बंदूक उड़ा दी सीने पर, मुन्ना जंडेल ने और भाई साथ में और थे गाँव के लोग, लट ले गए जी मारने की। हमारे गांव में सर, हमारे गांव से रहने वाले हैं हम, चार पांच लोग पतरौली साइड में गए थे खदान सा खदान एरिया में, तो उधर जंडेल मुन्ना लोग मिल गए थे। इन लोगों ने हमारी छाती बंदूक उड़ा दिए कि कैदी गड्ढा मड्ढा नहीं चलेंगे, बंद करेंगे सर हमारे गांव में बस खदान कट रहा है, इसलिए हम रुकने के लिए गए थे। उन्होंने मारने की धमकी दी थी और उनके साथ में 10-5 लोग और थे बंदूक कट्टा पिस्टल लेकर। ठीक ठीक भैया। अधिकारी के सामने भी वहां पर मौजूद खदान में कई लोग बंदूक टांगे हुए थे। जब खदान नापी जा रही थी तो वहां नायब तहसीलदार, पुलिस और माइनिंग इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट से डिप्टी रेंजर आदि अधिकारी वहां मौजूद थे। आखिर क्या उनके साथ भी जांच बंदूकों के साए में होना जरूरी थी? एमपी में वैसे ही रेत माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं शिवपुरी में भी रेत माफियाओं की धमक बरकरार बनी है। अब देखना होगा कि प्रशासन की नाक के नीचे या अवैध उत्खनन बरकरार रहता है या फिर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, या सत्ता की खनक में बीजेपी नेताओं का जलवा यूं ही बरकरार रहता है।